हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AMD सिक्योरिटी गार्ड और ASU के यहाँ पर DB के बारे में। जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर AMD में फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन लिया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। और जिन कैंडिडेट के यहाँ पर DB लेटर जारी कर दिए गए हैं, वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको DB में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या गलती ना करें जिसकी वजह से आपको यहाँ पर रिजेक्ट होकर बाहर ना आना पड़े, जिससे कि आपको यहाँ पर DB करवाते में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए दोस्तों, जो कैंडिडेट यहाँ पर DB देने जा रहे हैं, वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको DB से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डाउट हैं, वो आपको इसी वीडियो में क्लियर हो सकें। और दोस्तों, जो कैंडिडेट यहाँ पर DB देने जा रहे हैं, उनको मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। AMD सिक्योरिटी गार्ड और ASU में ज्वाइनिंग कब तक होगी और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगे जाने हैं DB में, तो कंप्लीट जानकारी के लिए बने वीडियो के एंड तक। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, AMD सिक्योरिटी गार्ड और ASU का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें पोस्ट वैकेंसी और सलेक्शन प्रोसेस की सारी जानकारी दी गई है। और सलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से दोस्तों, इसमें पहले फिजिकल हुआ था, फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। दोस्तों, आपको बता दूँ कि यहाँ पर जब एग्ज़ाम चल रहे थे, कुछ रीज़न की वजह से यहाँ पर पेपर को एग्ज़ाम को जो हुआ था, कुछ शिफ्ट को यहाँ पर कैंसिल करना पड़ा, एंड देन उसके 1.5 महीने बाद यहाँ पर री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। और फाइनली दोस्तों, जिनका यहाँ पर री एग्ज़ाम और एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद यहाँ पर फाइनल मेरिट भी कर दी गई थी। काफ़ी लड़कों या लड़कियों के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है AMD सिक्योरिटी गार्ड ASU में। जिन कैंडिडेट का फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हुआ, उनके यहाँ पर DB लेटर जारी कर दिए गए हैं। और दोस्तों, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर DB में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, क्या गलती नहीं करनी जिसकी यहाँ पर DB कराते में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ DB से रिलेटेड। पर दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप DB में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। जिन कैंडिडेट ने फॉर्म को यहाँ पर 10वीं क्लास से 12वीं या ग्रेजुएशन से अप्लाई किया है, वो अपने आप में मार्कशीट लेके जानी है। जिन्होंने यहाँ पर 10th से भरा, तो 10th की लेके जानी मार्कशीट। जिन्होंने 12th से या फिर ग्रेजुएशन से फॉर्म सबमिट किया है, वो अपने आप का 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है। दोस्तों, 5 पासपोर्ट साइज के यहाँ पर फोटो लेके जाने हैं, मेडिकल लेके जाना, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके आ जाना, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना। और दोस्तों, आप मैं बता दूं कि आप जो आपके यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स हैं, सभी डॉक्यूमेंट में मैच करके देख लें, जिससे कि आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपकी पर्सनल डिटेल्स मिसमैच हैं या फिर गलत हैं, उसे सभी सही करा लें, जिससे कि आप हम DB करवाते हैं कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, तो उसे आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है। दोस्तों, दोबारा से रिपीट कर दूँ कि यहाँ पर DB जो कैंडिडेट करवाने जाए, वो अपने डॉक्यूमेंट में अपनी पर्सनल डिटेल्स को मैच कर लें, जैसे कि नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस में कोई मिसमैच तो नहीं है, उसे सही कराने के बाद ही आप DB कराने जाएं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 1 महीने के बाद यहाँ पर पुलिस वैकेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो कैंडिडेट यहाँ पर DB करवा लेंगे, उनके यहाँ पर 1 महीने बाद यहाँ पुलिस वैकेशन स्टार्ट होने वाली है। एंड देन उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पर पुलिस वैकेशन कम्प्लीट करा लेंगे, उनके यहाँ पर दिसंबर मंथ में AMD सिक्योरिटी गार्ड और ASU वालों के यहाँ पर जॉइन लेटर जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों, 1 या 1.5 महीने के अंदर यहाँ पर DB और पुलिस वैकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, इस महीने या फिर 2 महीने के बाद यहाँ पर जॉइन लेटर जारी होने वाले हैं AMD सिक्योरिटी गार्ड और ASU में। इसी जो कैंडिडेट यहाँ पर DB करवाने जा रहे हैं, दोस्तों दोबारा से रिपीट कर दूँ, जो कैंडिडेट यहाँ पर DB करवाने जा रहे हैं, अपने सभी डॉक्यूमेंट को तैयार करा लें, पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लें, कोई गलती तो नहीं है। एंड देन उसी के बाद यहाँ पर अपने DB को करवाएं, जिससे कि आप वहाँ पर DB करवाते में कोई प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों, अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलिए, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, स्पेशली बात करूँगा इस चैनल पर आपको AMD सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड जितनी भी आपको इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ हैं, सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।